मैं पहुंच गया मॉल रोड, आप देख रहे हो पीछे मॉल रोड है, ठीक है। लेकिन अभी मैं मॉल रोड नहीं घूमने वाला हूँ क्योंकि अभी थोड़ा शाम है, थोड़ा सा रात हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे स्टैचू भी है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो अभी पहले मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने ओल्ड मनाली, ठीक है। ओल्ड मनाली के लिए ऑटो से हम चलेंगे, यहाँ से शेयरिंग ऑटो आई थिंक 100 रुपये तक मिलना चाहिए, जैसा मैंने अभी एक दो लोगों से पूछा कि 100 रुपये मुझे ओल्ड मनाली के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर हम एक्सप्लोर करते हैं कि रिवर साइड कैफ़े, और बहुत सुना था ओल्ड मनाली बहुत ही यूनिक है, जो मनाली था पहले वही था, अभी ये न्यू बन गया, ठीक है। तो चलो चलते हैं जल्दी से, ठीक है। तो दोस्तों ओल्ड मनाली के लिए मुझे ऑटो मिल गया है, जो अटल जी का स्टैचू है मनाली रोड पे, मॉल रोड पे, वहाँ से आपको 100 रुपये मिल जाएगा, 150 रुपये बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा बार्गेनिंग करोगे तो 100 रुपये मिल जाएगा। भैया लेके जा रहे हैं, ओल्ड मनाली में अभी स्टे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि न्यू मनाली में ही करना है आप। मैं अभी लेके चलूंगा तो मैं बताऊंगा ओल्ड मनाली कैसा है, और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग टूरिस्ट जाके रुकते हैं। ओल्ड मनाली जो पुराना था वो वाला है, नया वाला मॉल रोड के लोग शॉपिंग वॉपिंग की वजह से यहाँ आते हैं, लेकिन आपको अगर रियल मनाली देखना है तो ओल्ड मनाली है। तो अभी मनु टेम्पल चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे दिखाएंगे वो पुराने एकदम, मजा ही आ जाएगा देख के, ऐसा है हडिम्बा टेम्पल ऐसे ही है, ठीक है। तो चलते हैं, इसका नाम सिड्डू, सिड्डू देसी घी के साथ विद चटनी, देसी घी के साथ विद चटनी। चलो भाई आज देखते हैं देसी घी के साथ विद चटनी, और अभी हमारी डिश आने वाली है, अभी बना रहे हैं। किस चीज का होता है ये वॉलनट का होता है, आटे का बना होता है। अच्छा आटे का बना होता है, ये मोमोज टाइप में है क्या कुछ? मोमोज वेजेस का होता है, अभी जस्ट खाए तो यहाँ पे सिद्धू ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो यहाँ ओल्ड मनाली आ रहे हो तो प्लीज खाना बहुत टेस्टी था, घी में बनता है। चलते ले ले। देखना भैया कोई शाल है, कोई
फील ही अलग आएगा भाई तुम जब आओगे ना, तो ऊँचे ऊँचे रास्ते, पुराने जमाने के रास्ते। और फाइनली हम पहुँच गए मनु टेम्पल। तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं अलाउड है कि नहीं कैमरा। टेम्पल तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पुराना टेम्पल है और बारिश भी धीरे धीरे आ गई है, तो चलो एक बार रुक के आते हैं। दर्शन हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि टेम्पलों में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होता, तो अभी दर्शन करने के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं। नीचे देखते हैं कौन सा कैफे अच्छा है, ठीक है। और इस टेम्पल के बारे में थोड़ा सा बता दें, 1991 में बनाया गया था। 1991 में मुख्यमंत्री जी शांत कुमार जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो अभी यहाँ से चलते हैं हम। ठंड लग रही है तो मतलब सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, और थोड़ा बार्गेनिंग करना होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बार्गेनिंग कर सकते हो तो इजीली तुम्हें, और कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। कई सारी चीज़ें हैं वो तो किसी ना किसी के लिए गिफ्ट या कुछ भी हैंडमेड के लिए। ठीक रहो, बहुत सारे कैफेज़ हैं हिप्पीज़ वगैरह के लिए, ठीक है। तो कैफे इधर अच्छे मिलेंगे, फोनर्स भी इधर मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप सोचो कैफे वगैरह में इंजॉय करना है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप मेरे को बताना आपको ओल्ड मनाली कैसा लग रहा है। इतनी सारी शॉपिंग कर सकते हो आप भाई, मैंने तो कुछ लेना है नहीं, तो मैंने तो कुछ खरीदना है नहीं, कि भाई हम सोलो ट्रेवलर हैं, ज़्यादा कुछ खरीदते नहीं है, बजट में काम करते हैं, ठीक है। आप ये लोग देख, भाई मैं अभी आ गया हूँ एवन ग्रीन कैफे। यहाँ का म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे आके देखते रिवर साइड कुछ है कि नहीं। देखो गैस तो है नहीं, ये देखो व्यू। भाई मजा ही आ जाना है, मस्त है ना कैफे, ठीक है। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। अभी शाम मतलब 3-4 बजे हैं, तो उस चक्कर में भीड़ नहीं है, पर थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। ये देखो सिटिंग क्या, मतलब मस्त है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, ठीक है। तो आप ये कैफे भी, अब दूसरे कैफे। तो दोस्तों दूसरा कैफे मिल गया जो रिवर साइड में ही है, इसके जस्ट साइड में, जहाँ पे भी सिटिंग नीचे की साइड है, ये है मलंग कैफे। तो आपको लेके चलते हैं, अगर ठीक लगे तो थम्सअप, नहीं तो अभी 4 बजे तो अभी क्राउड तो कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। 7 या 8 बजे बाद मिलेगा, तो आप आ सकते हो। ये है, मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। रिसेप्शन है यहाँ पे, और ये पूरा सिटिंग एरिया है, ठीक है। और आप इधर इतना अल्टीमेट व्यू है,
तो देख सकते हो कितना सही व्यू आ रहा है यार। एक बार यहाँ तुम्हारा जो भी पीने का मन है वो पी सकते हो, ठीक है। कैफे है तो जरूरी नहीं कॉफ़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा शायद, तो यहाँ भी आप आ सकते हो, ठीक है। उधर था ये है, ये है, एक लाइन से तीन चार कैफे हैं, तो आपको और एक दो कैफे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। दोस्तों सो ये मुझे मिला है ग्रीस कैफे, जो कि बहुत ही अल्टीमेट साउंड, म्यूजिक बहुत अच्छा है, इसका एटमोसफियर बहुत अच्छा है। चलो जल्दी से लेके चलते हैं इसे तक। ग्रीस भैया है यहाँ पे, कब खुलोगे यहाँ पे? अरे यार क्या नाम है आपका? सागर, सागर गिरी। सागर गिरी, तो कब भी आओ एक बार सागर जी के पास, यहाँ पे आओ। ये जो रिवर क्रॉस करते ही है, ठीक है, ये जो है सो गया, हाय जो है भैया टीवी है मार गया, पूछ लो किधर। अरे वाह बहुत क्यूट है, बात बहुत है, डिस्टर्ब तो मैं तो सही। चलो आपको ऊपर दिखाते पूरा, तो भाई लोगों आपने देखा कितना औसम जगह है, मतलब म्यूजिक सुन रहे हो और यहाँ फील ही आ जाएगा भाई, जैसे लोग नीचे बियर पी रहे थे, तो कैफे में बियर अलाउड होती है, तो जो लोग नहीं पीते वो ना पिए, ठीक है। जो लोग पीते हैं वो भी ना पिए, कृपया करके आगे कॉफ़ी वगैरह पिए, म्यूजिक इंजॉय करें, वे फील करें यार कि कहाँ आए हो तुम, ठीक है। तो ये ओल्ड मनाली कैफे इसके लिए फेमस है, जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, ठीक है। मैं बहुत टाइम से मिस कर रहा था, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ। अभी जो लाइव म्यूजिक स्टार्ट होगा वो होगा तुम्हारा 7 के बाद, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट कैफे में।